जिला संवेदक संघ के द्वारा घटिया कार्य प्राकलन को सुधार करने को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जिला संवेदक संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार कुशवाहा ने कहा कि विभागीय प्राकलन के अनुसार पुराने रेट पर कार्य कराना संभव नहीं है, इसलिए संवेदक संघ ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लेते हुए एक ज्ञापन ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को सौंपा है। विभाग द्वारा जो भी अभी प्राकलन दिया गया है वह प्राकलन विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। 2010 में जो रेट था आज भी वही रेट है लगभग रोड का, और ओवर हेड की कटौती कर ली गई है। छोटे छोटे ठेकेदारों के लिए जो रेल हेड्स का जो प्रावधान किया जा रहा है, रेल हेड से वस्तुतः मटेरियल लाना संभव नहीं है, हमें ट्रक से ढोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रेल हेड का और ओवर हेड काटे जाने का हम विरोध करते हैं। इसी कारण हम और 2010 और 2019 का रेट समान जो है एक समान है, उसी के कारण हम लोग इस निविदा का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं मिट्टी का क्वांटिटी घटा दिया गया है, बहुत ही मैंने पहले के निविदा के अनुसार इसका एक चौथाई लगभग मिट्टी हो गया है, जिससे मिट्टी का फ्लैंक बीच में भरना, उच्चीकरण करना तो संभव नहीं है, लेकिन फ्लैंक भी पूरा नहीं हो पाएगा उस राशि से। और लगभग ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्रों का यह सड़क है, छोटी छोटे बस्तियों का जोड़ने वाला, यह अधिकांश पथ पंचायत से सोलिंग हुआ है, कुछ जगह कच्ची सड़क भी मिलता है, जिसको हर हाल में कुछ ना कुछ ऊंचीकरण करना अनिवार्य होता है। नहीं ऊंचीकरण करने पर ग्रामीण के द्वारा विरोध भी किया जाता है कि इसका ऊंचाई। मेन बिंदु क्या है आज का? मेन बिंदु यही है कि मिट्टी घटा देने से रेट उसका कम हो गया, और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो जीएसबी का थिकनेस घटा दिया गया पूर्व के अनुसार। WBM 2 यहाँ इसमें से प्रकलन से हटा दिया गया है, केवल WBM 3 चल रहा है, और यह रोड बन रहा है 8 टन रोड एक्सल के अनुसार इसका प्रकलन है। आ यहाँ गाड़ियाँ चल रही है लगभग इस पर 40 टन 50 टन तक, 20 टन से तो नीचे के गाड़ियाँ बहुत ना मात्र के मिलती है। जो ये बैनर पर जो NIT का जो निविदा निकला है, इसका जो है सो सबसे पुअर घटिया किस्म का रेट है। घटिया किस्म का रेट पर सरकार चाहती है काम का क्वालिटी अच्छा हो, लेकिन ये दिनों दिन जो है सो इसका घटिया किस्म का रेट निर्धारण किया गया है, जिसके लेकर के पूरे संवेदक संघ जी पश्चिमी चंपारण आज इस निविदा का बहिष्कार कर रहा है। इस निविदा में जो है कि एकदम घटिया से घटिया प्राकलन की वजह से हम लोग इस निविदा को बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस निविदा को जो है कि रिवाइज करके इसमें प्राकलन का राशि जो है इसको बढ़ा करके फिर निविदा निकाला जाए, और उस राशि पर हम लोग काम करने के लिए तैयार होंगे। जो इतना यदि नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, तो हम लोग हमेशा बहिष्कार करते रहेंगे, हम लोग नहीं करेंगे काम। बिहार के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।